नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेमेस्टर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, 1/10 थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा इंसुलेशन ऊष्मा आयल एंजिन और जल का प्रतिरोधक है? तो इसका आंसर होगा बी, नियोप्रिन कृत्रिम रबर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा एक पॉलीनोमिनल है यानी बहुपद है? तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाए गए चित्र के अनुसार 220 वाट का वोल्टेज 1 किलो ओम प्रतिरोध के आर पार जुड़ा है, तो प्रतिरोधक का बिजली खपत है? तो इसका आंसर होगा डी, 48.4 वाट। और क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मा की वह गुणवत्ता जिसमें 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने की ज़रूरत होती है वह कहलाता है? तो फ्रेंड्स, यह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, दर्शाए गए रेखा चित्र में दिया गया हेक्सागोनल प्रिज्म में यदि एल बराबर 30 सेंटीमीटर और आयतन 6378 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो किनारे की भुजा बी की लंबाई होगी? आंसर है डी, 9.046 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में दर्शाए गए छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल की गणना करने के लिए कौन सा फार्मूला उपयुक्त होगा जहां त्रिज्या आर और अंतःविष्ट कोण थीटा है? तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि लैंप पर 250 वाट /5 एम्पियर का लेबल लगा है तो उसका वोल्टेज होगा? तो फ्रेंड्स, वोल्टेज जो होगा वो 50 वाट होगा, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्गाकार लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस लकड़ी के टुकड़े की भुजा है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो 25 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10, SI इकाई में ऊष्मा की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा होगा कैलोरी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। चार वेग अनुपात और 25% कार्य क्षमता वाली एक साधारण मशीन को 25 किलोग्राम के कार्य बल से चलाया जाता है, यांत्रिक लाभ खालिस्तान होगा? तो फ्रेंड्स, ये है तो ये क्वेश्चन गलत है, इसके चारों विकल्प में से कोई भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, एक 86 सेंटीमीटर के राड को आयताकार स्वरूप में मोड़ा जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई खालिस्तान होगी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी है, 18 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, वेग अनुपात VR की इकाई हो है, तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं तो इनमें से कोई भी वेग अनुपात की इकाई नहीं है, अतः आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिज्या कोण का मान डिग्री में क्या है? तो फ्रेंड्स, एक रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है, तो आंसर होगा
ए। क्वेश्चन नंबर 15, सेंटीग्रेड की इकाई में ऋण 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप फ़ारेनहाइट डिग्री में किसके समतुल्य होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो होगा ए, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन में जो हमारे को 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया था, यहाँ माइनस साइन और होना चाहिए, तभी इन विकल्प में से ए सही होगा, अन्यथा इसका हल करना इसका हल इन विकल्प में से नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। दिए दर्शाए गए एक लीवर खालिस्तान प्रकार का लीवर है, तो फ्रेंड्स ये आंसर होगा सी, तीसरे क्रम का लीवर है, थर्ड टाइप का लीवर है। क्वेश्चन नंबर 17, मशीन की कार्य क्षमता खालिस्तान है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। क्वेश्चन नंबर 18, साधारण मशीन में यांत्रिक लाभ निकालने के लिए फार्मूला है, तो फार्मूला होगा सी, भार बटे कार्यबल। क्वेश्चन नंबर 19, साइन ए प्लस बी बराबर है, तो इसका आंसर होगा बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दर्शाए गए परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध क्या है जिसमें 20 ओम का प्रत्येक प्रतिरोध समांतर जुड़ा है? फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमें डायग्राम दिया गया है उसमें 30 ओम लिखा है और क्वेश्चन में 20 ओम है, तो या तो ये क्वेश्चन हम गलत माने और डायग्राम के हिसाब से देखें तो 30 ओम आंसर बी ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो त्रिभुज खालिस्तान कहलाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 22, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है, तो इसका आंसर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कोष्टक क्लोज। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए वृत्त में छायांकित हिस्से के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये सेगमेंट है, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, 1030 का मान खालिस्तान है, तो फ्रेंड्स 1030 का मान 1/√3 होता है, तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक सही समीकरण है जिससे ए का मान प्राप्त हो सकता है, यदि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? तो फ्रेंड्स ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ए इक्वल टू √c² - b²। बने रहिए हमारे चैनल पर, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।